वंस अगेन वेलकम टू श्यामास मेकओवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? जी हाँ, आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। यस गाइस, टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया है, रेड वॉयलेट हेयर कलर ट्यूटोरियल फॉलियाज टेक्निक। यस गाइस, फॉलियाज हाइलाइट्स ये टेक्निक है बहुत ही ईजी, और देख सकते हैं यहाँ पे वॉयलेट एंड रेड कॉम्बिनेशन, ये खूबसूरत हेयर कलर। देखने में आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ये ग्लोबल इफेक्ट है, लेकिन गाइस यही एक टेक्निक है, फॉलियाज टेक्निक। जब आप फॉलियाज हाइलाइट्स टेक्निक करते हो, ग्लोबल तो दिखता है बट है इसका रिजल्ट ऑलमोस्ट सो ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं ग्लोबल का इफेक्ट है, बट यहाँ पे बीच बीच में आप हाइलाइट्स भी देख सकते हो और यस गाइस बालियाज भी देख सकते हो। तो देर किस बात की है, चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्रोसीजर को करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है लॉरेल प्रोफेशनल का ये मल्टी टेक्निक। 30 वॉल्यूम के साथ मिक्सिंग रेशियो होगा 1:2। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने सेक्शनिंग कर लिया है। सेक्शनिंग का जो प्रोसीजर है, आपने देखा है सेक्शनिंग किस तरह से किया है। जी हाँ, बॉक्स सेक्शन किया है, फ्रंट से दो सेक्शन को डिवाइड कर लिया है और बैक साइड से आप देख ही सकते हैं ये सेक्शन है जिसको आपने ध्यान से देखना है। लास्ट टाइम भी इनका मैंने कलर किया था, ये हेयर कट मैंने ही किया हुआ है जो कि शी इज़ माई वेरी रेगुलर क्लाइंट। अब आप देख सकते हैं बैक साइड से सबसे पहले जो सेक्शन है मैंने डायगनल बैक लिया है, राइट गाइस? तो ये चीज़ का आपने ध्यान देना है। पहला सेक्शन है डायगनल बैक, तो यहाँ पर आप देखिए 1, 2 एंड 3, ये तीन मैंने मोटा मोटा चंक्स लिया है। मतलब कि जी हाँ, हाइलाइट्स भी नहीं है और ये स्ट्रीक्स भी नहीं है, लेकिन थोड़ा से मोटे मोटे चंक्स है। लेके उसके बाद बैक कॉमिंग किया है और देन आई एम गोना अप्लाई यस गाइस यहाँ पे जो ब्लॉन्डर मल्टी टेक्निक ब्लीच जो मैंने आपको दिखाया था 30 वॉल्यूम के साथ, उसको मैं अप्लीकेशन कर रही हूँ सिर्फ बॉटम बॉटम में और थोड़ा सा रूट्स में भी। ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इस चीज़ का ध्यान रखना, रूट्स में अप्लाई नहीं करना है बिल्कुल। ये चीज़ का बहुत अच्छे से खास तौर से ध्यान रखना, क्योंकि अगर ब्लीच रूट्स में लग जाए तो गाइज आपको बताती हूँ कि ब्लीच रूट्स में बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। सो सेम वे अगेन आई हैव टेकन 3 स्ट्रिक्स और यहाँ पे मैं बैक कॉमिंग कर रही हूँ 90 डिग्री में उठाकर, एंड देन उसके बाद यहाँ पे बॉटम में एप्लीकेशन कर रही हूँ। सो गाइज मैं बताना चाहती हूँ कि जो फॉलियाज टेक्निक होता है उसको ज़्यादा ऊपर तक आपने नहीं करना है, थोड़ा सा बॉटम में कीजिएगा, तभी वो जब ओपन होता है पूरा देन लास्ट में आप देख सकते हो थोड़ा बालियाज इफेक्ट देता है। रियली गाइस ये टेक्निक करके देखिएगा, बहुत ही ऑसम है। ना तो ये हाइलाइट्स है और ना ही ये स्ट्रिक्स है और ना ही ये ओमरे है। दिस इज़ कॉल्ड फॉलियाज टेक्निक। यस गाइस, आई क्रिएटेड माई सेल्फ ये टेक्निक, बहुत ही बढ़िया है श्यामास मेकओवर फॉलियाज टेक्निक। मेरे बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे हैं जो मैंने फॉलियाज टेक्निक के साथ काम किया है और आप देखना कलर रियली में ऑसम है। सो जिस तरह से पूरा लेफ्ट सेक्शन को कंप्लीट करना है आपने, सेक्शन बाय सेक्शन डायगनल बैक लिया है, अब आप आते हो राइट सेक्शन में, इस सेक्शन को भी आपने डायगनल बैक ही लेना है। तो दोनों तरफ से जब आप डायगनल बैक लेते हो तो ऑफ कोर्स क्या क्रिएट हो जाता है, वी। आज मैं अपने कलीग्स को अपना एक वीडियोस दिखा रही थी, उन्होंने कहा कि ठीक है मैम आप दिखाइए अपना वीडियो। तो देन वंस आई वाज शोइंग माय वीडियोस, आई वाज टीचिंग हिम कि आप डायगनल बैक लीजिए। तो दोनों तरफ से तो अनदर कलीग हैज केम एंड देन ही सेड कि ये डायगनल बैक जो है पीछे से वी क्रिएट हो जाता है। मैंने कहा यस, गॉट द पॉइंट। तो यही चीज़ है, दोनों तरफ से वी शेप क्रिएट हो जाता है, राइट? सो गाइस यही आपने सेक्शन बाय सेक्शन आपने ध्यान रखना है, ठीक है? जब आप दोनों तरफ से कंप्लीट कर दोगे तब आता है आपका फ्रंट वाला सेक्शन। दोनों तरफ से बैक में कंप्लीट करने के बाद जो सेंटर बचा वो आपका हॉरिजॉन्टल में ही जाएगा। अब आते हो आप लेफ्ट सेक्शन पे। अब लेफ्ट सेक्शन जो है फ्रंट का, आप देख सकते हैं लेफ्ट सेक्शन मैंने डायगनल बैक लिया है, थिक चंक्स उठाया है, वो भी तीन ही है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे बॉटम में आई एम गोना अप्लाई दिस ब्लीच, राइट? सो इस तरह से लेफ्ट का भी सेक्शन बाय सेक्शन मैं करूँगी। जब मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाती हूँ, मतलब धीरे धीरे टॉप सेक्शन में जाने लगती हूँ, तो मेरे जो सेक्शन है वो पतले हो जाते हैं, जैसे कि अभी थोड़ा थिक है
तो जब मैं थोड़ा धीरे 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 जितना मैं टॉप में आऊँगी, सेक्शनिंग जो होगा वो पतले होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो अच्छे से एप्लीकेशन करना है। सो गाइस, बताना चाहती हूँ कि इनका बॉटम के जो प्री लाइटनिंग जो मैं कर रही हूँ, लेकिन प्री लाइट बहुत अच्छे से नहीं होने वाला है, ये चीज़ को भी ध्यान देखना आप। तो गाइस, मैं इनका रेड और वॉलेट दो कॉम्बिनेशन ही कर रही हूँ, सारे कलर्स मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन दिखाऊंगी, लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, अब देखिए नेक्स्ट वाला सेक्शन को, 1 2 3, ठीक है, तीन सेक्शन लिया। बैक कमिंग किया और इसको भी यहाँ पे हम लोग जो है एप्लीकेशन कर रहे हैं प्री लाइट। सो गाइस, हाँ, बताना चाहती हूँ जो बॉटम के जो बाल है, जैसे कि आप देख सकते थे, वो अभी भी रेड है, और जब हम प्री लाइट करेंगे लास्ट तक भी वो रेड नहीं निकलता, क्योंकि आपको पता है ये जो नीचे वाले जो रेड है, कौन सा रेड है, ये इनोवा का जो आज मैं यूज़ करने जा रही हूँ, थंबनेल में भी मैंने वो ट्यूब मेंशन किया है। जी हाँ, रियली में ऑसम और ऑसम 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 हेयर कलर है जो इनोवा का कार्मिलन है। अगर रेड की बात करते हो तो अगर आप प्री लाइट के बाद अगर ये रेड लगा दोगे ना, ये वाकई ये रेड फेड होने वाला नहीं है, नहीं तो रेड आपको पता है जल्दी वॉश आउट हो जाता है, राइट। इसी तरह आपने लेफ्ट के सेक्शन को कंप्लीट करना है। जब आप लेफ्ट के सेक्शन को कंप्लीट करोगे, राइट सेक्शन को भी इसी तरह कंप्लीट करना है। अब आते हो आप टॉप सेक्शन में। अब टॉप सेक्शन में जब आप आते हो तो जाहिर सी बात है टॉप सेक्शन को तो आपने ऑफकोर्स हॉरिजॉन्टल में लेना है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल लिया और यहाँ पर देखिए पतला पतला सेक्शन लेके यहाँ पर मैं एप्लीकेशन करूँगी। यस गाइस, लेकिन मैं आपको बताती हूँ इस सेक्शन को 90 डिग्री में उठा के बैक कमिंग करना है, देन अप्लाई करना है। आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चाहते हैं मेरा वीडियो सबसे पहले देखना, अरे भाई देर किस बात की है, जल्दी से बेल आइकन को क्लिक कीजिए और चेक कीजिए कि आप फर्स्ट ऑप्शन ऑन किया है कि नहीं किया। शेयर करके बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कैसा लगा आपको, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हाँ गाइस, कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कैसा लगा। और यस गाइस, इसी तरह जो मेरी क्लासेस हैं ऑनलाइन होती है और आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और हाँ गाइस, बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइन बटन, आप ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिएगा, मेंबरशिप प्लान लीजिएगा, एवरी मंथ रिन्यू कीजिएगा, आपको स्पेशल बैचेस मिल जाएगा। और बताना चाहती हूँ कि आप मुझे महीने में एक बार कॉल करके आप अपने क्वेश्चंस का आंसर, यस गाइस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू हेयर कलर और हेयर, तो आप मुझे उसका आंसर, जी हाँ, कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिएगा और देखिए कितना बेनिफिट है आपको। और यहाँ पे पूरा एप्लीकेशन के बाद हाफ एन आवर मैंने अलार्म लगाया और हाफ एन आवर के बाद, सो गाइस, हाफ एन आवर के बाद यहाँ पे येलो टोन आप देख सकते हो, इंडिविजुअल चेक करना है आपने। जब आपने देखा येलो टोन आ गया है, उस वक्त यहाँ पे ये देखिए लॉरियल का 20 वॉल्यूम लेना है, C5.20। ये एक वॉयलेट शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। आप देखिएगा इस इनको, जो मेरी क्लाइंट है शी वॉन्टेड लिटिल डार्क वॉयलेट, तभी मैंने C5.20 2 जो है इरिडेसेंट होता है जो कि वॉयलेट है। जी हाँ, एक कलर मैंने ये वॉयलेट का ये शेड लिया है और एक कलर मैं रेड कॉम्बिनेशन दोनों के साथ करूँगी, तो दोनों जो है ब्लेंडिंग इफेक्ट देगा, बहुत अमेजिंग लगेगा। तो ये 20 वॉल्यूम में मिक्स करना है, मिक्सिंग रेशो का 1:1.5। और ये इनोवा का शेड है जो कि C4.62, कार्मिलिन का शेड है जो कि यहाँ पे मैंने दो बॉल में मिक्स किया है, ये है इनोवा C4.62, इसमें मिक्सिंग रेशो का 1:1, इसका मिक्सिंग रेशो होगा 5.20 का मिक्सिंग रेशो होगा क्या, जी हाँ, 1:1.5। तो यहाँ पे आप देखिए जो प्री लाइटनिंग किया है, माइल्ड वॉश कर दिया है, माइल्ड वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने अपने असिस्टेंट को बोला है थोड़ी देर के लिए होल्ड कीजिए। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले मैं कलर एप्लीकेशन कर रही हूँ C5.20 20 वॉल्यूम में, मिक्सिंग रेशो क्या था बताओ, 1:1.5। आप मेरे साथ साथ बोला करो, इससे आपको इजी होगा सीखने में, इजी होगा जानने में और बढ़िया सीखने में, बढ़िया करने में, राइट। एक शेड लिया मैंने C5.20 जो कि वॉयलेट है, और सेकंड जो शेड मैं ले रही हूँ वो है रेड C4.62 जो कि कार्मिलिन। सो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो इनोवा C4.62 जो शेड आपने देखा, राइट, इस शेड की बहुत अच्छी खासियत यह है, कभी आपके पास कोई क्लाइंट कह रहा है कि मुझे, मैं जब रेड कलर कराती हूँ बहुत ही जल्दी वो रिमूव हो जाता है, रेड जो है फेड होके गोल्डन आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई। आप प्री लाइटनिंग करके करते हो तो जल्दी से फेड हो जाता है, तब तो बिल्कुल 100% फेड हो जाएगा, अगर आप डायरेक्ट भी रेड करते हो तो भी यही प्रॉब्लम होता है। उस सिचुएशन में आपने यही कार्मिलिन का कलर करना है, 4.62 भी है, 4.62 है, तो मोस्टली मैं इनको 4.62 देती हूँ जो कि थोड़ा डार्क
कर शेड है, धीरे धीरे फेड होकर तो लाइट हो ही जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये जो नेक्स्ट जो मैंने सेक्शन लिया है, ये सेक्शन जो है C4.62 है। सो गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, और आप लोगों को पता ही है कि आई डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, मैं आप लोगों से कोई भी चीज़ें नहीं छुपाती हूँ। कोई भी चीज़ें होती है कलर से रिलेटेड, एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं दिखाती हूँ और हिंदी में बोलती हूँ, जिससे कि आप सभी लोग अच्छे से समझ सकते हैं। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, जो कि सभी लोगों को समझ में आती है ये लैंग्वेज, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो आपने एक जो शेड है वो लगाना है आपने, क्या C5.20 जो कि आप मेजीरॉक का कलर है ना, एंड सेकेंड जो है आपने कार्मेलन लगाना है C4.62, और यहाँ पे 20 मिनट्स तक छोड़ देना है आपने। एंड आफ्टर 20 मिनट्स, यस गाइस, आफ्टर 20 मिनट्स यू नीड टू गो फॉर अ हेयर वॉश। अच्छे से हेयर वॉश करना है कलर प्रोटेक्ट शैम्पू कंडीशनर के साथ। एंड यस, आफ्टर दैट यू कैन सी नाउ हियर, आफ्टर शैम्पू कंडीशनर अच्छे से सीरम लगाना है आपने, जो भी बेस्ट सीरम आपको लगता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट टेक्सचर, अच्छे से सीरम लगाइएगा। यहाँ पे मैंने लॉरियल कॉलेज अनलिमिटेड सीरम मैंने यूज़ किया है, और यस गाइस यहाँ पे अगेन आई एम डूइंग अ स्ट्रेट ब्लो ड्राई, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट है उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और या इट वॉज अ वेरी लाइक सम टाइम आई हैव टू मेक अ वीडियोज एंड देन सम टाइम आई हैव टू शो इट टू यू द ऑल द ट्यूटोरियल्स, और कभी कभी क्लाइंट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी मैं कुछ स्मॉल एंड शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाती हूँ। बट ये तो आई होप कि यू लविंग इट, क्योंकि इसमें मैंने पूरा ट्यूटोरियल भी बताया है आप सभी लोगों को। एंड हियर यू कैन सी सच अ लवली एंड अमेजिंग ब्यूटिफुल हेयर कलर, एज यू कैन सी हेयर सच अ ब्यूटिफुल हेयर कट विच इज़ कॉल्ड लॉब हेयर कट, विच इज़ लाइक फंटास्टिक हेयर कट। अभी तक का जो हेयर कट है लॉब, अमेजिंग हेयर कट है, जो कि आप देख सकते हैं शोल्डर से थोड़ा शॉर्ट होता है, फ्रंट से थोड़ा लॉन्ग होता है, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अगर गूगल में सर्च करेंगे, इसका एक हेयर कट है जो कि ऑसम है, एक ऐसी एक पिक्चर है गूगल में, आप जाएंगे लॉब हेयर कट सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह से एक पिक्चर है जो कि मेरा फेवरेट है, और राइट फाइनली आई क्रिएटेड हेयर। सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने इतने ध्यान से इस वीडियो को देखा, एंड अगर आप मेरा और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो जाइएगा यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, एनीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी यू कैन जस्ट सर्च ऑन YouTube एंड देन चेक इट ओवर देयर, हेयर कट से रिलेटेड और कलर से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिएगा YouTube में। और बताना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी बहुत खुश हुए इस वीडियो को देख के और कुछ सीखा, कमेंट्स करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना, टिल देन टेक केयर, बाय गाइस, सी यू वेरी सून, बाय।